किसने शुरू की थी कांवड़ यात्रा, जानिए कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अभी सावन का महीना चल रहा है और हर जगह हमें शिव भक्त देखने को मिल जाते हैं। श्रावण मास में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं और इस दौरान कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव भगवान का जल अभिषेक करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इसके पीछे की प्रथा क्या है ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि आखिर किसने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की और कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ का इतिहास भगवान परशुराम के बारे में सबने सुना होगा। वो भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे और उन्होंने ही सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर पूरा महादेव तक गए थे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। जब भगवान परशुराम ने पहली बार भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था उस वक्त सावन का महीना चल रहा था। इसके बाद से ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालने लगे सावन के महीने में। कितने प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा। शुरुआत में ज्यादा साधन न होने की वजह से लोग पैदल ही कांवड़ यात्रा पर जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया लोग तरह तरह से कांवड़ यात्रा निकालने लगे। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ प्रकार के बारे में। एक, खड़ी कांवड़। अगर सबसे कठिन कांवड़ यात्रा के बारे में कहा जाए तो खड़ी कांवड़ सबसे ज्यादा कठिन है। इस कांवड़ यात्रा में लोग अपने कंधे पर कांवड़ लेकर चलते हैं और इस दौरान वो कांवड़ को किसी भी जगह रख नहीं सकते और ना ही कहीं टांग सकते हैं। ऐसा करना खड़ी कांवड़ के नियमों का उल्लंघन होगा। दो, झांकी वाली कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियां किसी ट्रक, जीप या खुली गाड़ी में शिव की मूर्ति लगाकर और साथ में गाने बाजे के साथ झूमते हुए जाते हैं। इस कांवड़ यात्रा में खड़ी कांवड़ की तरह ज्यादा नियम नहीं होते हैं। तीन, डाक कांवड़। वैसे तो डाक कांवड़ भी झांकी वाली कांवड़ की तरह ही है, लेकिन इसमें खड़ी कांवड़ की तरह थोड़े नियम कानून है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त झूमते हुए जाते हैं, लेकिन जब मंदिर से दूरी 36 घंटे या फिर 24 घंटे की रह जाती है तो कांवड़ियां गंगा जल लेकर दौड़ते हुए जाते हैं।